फ्रेंड्स, आज हम द किचन स्टाइल में आपको केरी का खट्टा मीठा बादाम बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले मैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको केरी का खट्टा मीठा बादाम बनाना बता रहे हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो केरी है, चीनी एक प्याली छोटी, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, तेल, नमक। सबसे पहले मैंने केरी को साफ धो के रखा था। अब हम इस तरीके से केरी को काट लेंगे। आधे केरी के छिलके उतार लेंगे और आधे केरी के छिलके नहीं उतारेंगे। इस तरीके से हम पीसेस बनाएंगे, इसके बड़े बड़े पीसेस बनाने, छोटे नहीं करने एकदम। अगर आप गुठलियाँ भी लेना चाहती हैं तो गुठलियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें। केरी खट्टी मीठी होनी चाहिए, हमारे घरों में ये बहुत पसंद किया जाता है बादाम। लोग अक्सर चावलों से और रोटी से खाते हैं। आप ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमारी। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे पतीला चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। पतीले में मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। हल्का सा ज़ीरा गर्म हो गया है तेल में। अब मैं इसमें कलौंजी भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें पतीले में केरी डाल दूँगी, कलौंजी और जीरे के अंदर और ऑयल के अंदर इस तरीके से। और इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब इसमें नमक डाल दूंगी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और 5 से 10 मिनट इसे पकने रख दूंगी ताकि थोड़ी सी केरी नरम हो जाए। इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट दम पे रखूंगी। ये देखिए, अब मैंने पतीली का ढक्कन हटा दिया। अभी देखिए केरी हल्की कच्ची पकी बन गई है, पक्के तैयार है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर कोई ज़्यादा पसंद करता है मीठा तो ज़्यादा डालें, अगर कम पसंद करता है तो कम इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ दरमियानी पसंद करते हैं चीनी। इसमें हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे चाय के। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे अब और थोड़ा नरम होने के लिए अच्छी तरीके से रख देंगे ताकि ये थोड़े और नरम हो जाए और इसमें चीनी अपना पानी छोड़ दे। ये देखें,
केरी का खट्टा मीठा बादाम तैयार है। बिल्कुल चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है और अब ये नरम हो गया है इसी तरीके से। अब हम इसे सर्व करते हैं। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। केरी का सीजन है, आप जरूर जरूर बनाएं इसे, ट्राई कीजिए, बना के आपको बहुत पसंद आएगा।